Assalamualaikum, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है शाम का 5:30, तो और मैं आ गई हूँ यहाँ पे पास्ता बनाने के लिए। सबको पास्ता खाना है, ज़ारा को, यासिर को और मुझे भी। तो शाम के लिए पास्ता बना रहे हैं, तो चलते हैं बनाते हैं पास्ता। यहाँ पे मैंने बॉयल करके रख लिया है पास्ता, और यहाँ पे प्याज और लहसुन काट करके रखा है। फिर चलते हैं बनाते हैं पास्ता। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई, और ऑयल डाल देते हैं थोड़ा। पास्ता का रेसिपी आप लोगों को पहले भी मैंने दिया है, तो आज बना रहे थे तो चलो सोचते हैं दिखा देते हैं आप लोग को। अच्छा लगता है खाने में, और शाम के लिए बना रहे हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि इन लोगों को अच्छा लगता है ना, तो सोचा चलो आज बनाते हैं शाम में कुछ खाने के लिए पास्ता, टेस्टी चटपटा सा। तो हो गया है गरम, और इसमें डाल देते हैं प्याज। ये अच्छा लगता है बहुत खाने में, टेस्टी बनता है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो हमेशा शाम के टाइम में नाश्ता में कभी कभी मैं बना लेती हूँ, तो अच्छा लगता है खाने में। यासिर के पापा को भी बहुत पसंद है, वो भी खाते हैं। देख सकते हैं ना, बहुत गर्म है, लेकिन पास्ता बनाना है ना, तो चले आए हैं किचन में इसलिए। और रोटी तो रात का बनेगा रात में, तो अभी पास्ता बना रहे हैं, तो देखते हैं। इसमें डाल देते हैं ये लहसुन जो काट के रखा मैंने, वो भी। इससे बहुत टेस्टी बनता है। और सोया सॉस देंगे थोड़ा, और थोड़ा सा देंगे ये चिली सॉस, इससे बहुत अच्छा लगता है। टमाटर देंगे, टमाटो सॉस नहीं देंगे, टमाटर दे देंगे काट के, टमाटो सॉस नहीं देंगे, है लेकिन नहीं देंगे, मुझे टमाटर देकर अच्छा लगता है हम लोगों को, टमाटो सॉस देकर नहीं। केचप, केचप जो होता है वो नहीं देते हैं, ये टमाटर दे देंगे इसमें काट के। देख सकते हैं चिली सॉस तो ठीक है, लेकिन ना सोया सॉस हो गया है एक्सपायर। यही होता है ना, सॉस बोतल वाला ज़्यादा ले लेते हैं बड़ा, तो बस क्योंकि सोया सॉस तो बहुत कम ही यूज़ में आता है ना, और चिली सॉस ठीक है, ये डाल देंगे, और टमाटर दे देंगे, ये नहीं देंगे हम, सोया सॉस नहीं देंगे, छोड़ देंगे, ये छोड़ देते हैं उसको, क्या करेंगे, ये ख़राब हो गया, एक्सपायर हो गया, डेट फेल हो गया इसका, ये 1 साल तक चलता है, लेकिन 1 साल पार हो गया, 1 महीना और ज़्यादा हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ चिली सॉस डाल देंगे। हो गया है ये, अब इसमें डाल देते हैं टमाटर कटा हुआ, तो भी अच्छे से चला लेते हैं। बहुत अच्छा लगता था चिली सॉस, सोया सॉस देने से टेस्ट होता था ना, मगर सोया सॉस हो गया ख़राब, क्या करें, तो चिली सॉस से ही काम चला लेंगे, तो भी अच्छा लगेगा, सिंपल सा भी बनता है ना, तो अच्छा लगता है। और सब्ज़ी वाला मैं नहीं बना रही हूँ, घर में जैसे बनता है ना नॉर्मल, वैसे ही सिंपल सा, सब्ज़ी वब्जी है भी नहीं, क्योंकि सब्ज़ी में तो फिर शिमला मिर्च चाहिए, तो गाजर वो सब है नहीं, अभी तो गर्मी का ऐसे ही टाइम है, तो मिलता है लेकिन फिर भी वो नहीं डालेंगे, सिंपल सा बना रहे हम लोग ऐसे ही, अच्छा लगता है ऐसे भी। ये मसाला तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और 2 पैकेट में डाल दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा लगेगा ज़्यादा, है ना, थोड़ा ये डाल के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत सूख जाता है, इसे थोड़ा पानी दे देने से ना अच्छा लगता है। टेस्टी बहुत बनता है। अब दे देंगे इसमें चिली सॉस, चिली सॉस तो अच्छा है, ये नहीं ख़राब हुआ है, इसको भी दे देते हैं थोड़ा थोड़ा सा देंगे, यासिर भी खाने मांग रहा है ना, तो वो खाएगा, तो दे देते हैं 1 टीस्पून तक देते हैं, ज़्यादा नहीं, तो यासिर खाएगा ना तो उसको तीखा लगेगा फिर, इसी वजह से थोड़ा कम ही दे रहे हैं। थोड़ा सा पानी, थोड़ा
थोड़ा ना सॉस मतलब पतला थोड़ा रहता है ना, इस तरह से अच्छा लगता है, इसी वजह से थोड़ा पानी ऐड किया मैंने, मुझे अच्छा लगता है खाने में, मिक्स हो जाता है अच्छे से। तो उसको भी अब ऐड कर देंगे। अच्छा से इसको मिला देना है, मिक्स कर लेना है। बस ये अब हो गया रेडी। थोड़ा सा पानी दे देते हैं, अच्छा लगता है इसमें मिक्स कर देने से। तो ये हो गया अब रेडी, चलते हैं हम लोग खाने के लिए। सोया चिली सॉस थोड़ा और दे देते हैं, या सिर्फ खाएगा तो लेकिन अच्छा लगता है टेस्ट देने से। ये थोड़ा तीखा होता है ना, तो अच्छा लगता है टेस्ट होता है इसको थोड़ा। ये बना दिया है, चलिए हो गया रेडी। अब हम लोग खाने के लिए चलते हैं, खाने के लिए रेडी है ये। तो अब चलिए चलते हैं खाने के लिए, हो गया है रेडी। ये यासिर के पापा के लिए रख दिया है, और यहाँ पे हम लोग का निकालते हैं, ये ज़ारा और मेरा और यासिर का। तो एक और कटोरा में प्याला लाते हैं उसको, के लिए थोड़ा सा निकालते हैं क्योंकि वो खाएगा कि नहीं उसका कोई ठीक नहीं है। और ये मेरे लिए है, तो हम लोग खा लेते हैं, गर्मा गर्म हो गया है। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। तो हम लोग निकाल लिया है मैंने, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है टेस्टी खाने में। और बर्तन भी हो गया है फिर से, बर्तन कौन धोएगा। यहाँ पे आ गया है हम लोगों का पास्ता रेडी है। तो हम लोग अब खाने जा रहे हैं पास्ता, तो देख सकते हैं ना, ये देखिए दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। तो रेडी हो गया पास्ता, हो गया है रेडी खाने के लिए, बनाया है मैंने तो गर्मा गर्म। चलिए खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। आ जाओ यासिर, चलो आओ यासिर, आओ खाओगे ना पास्ता। वाओ, यासिर को भी पसंद है, थोड़ा बहुत खाएगा उतना, क्योंकि उसको तीखा अगर लगेगा तो नहीं खा लोगे। ऐसे नहीं करो, अच्छा बच्चा होना तुम। चलो खा लेते हैं हम लोग, ठीक है फिर खा लेते हैं। बहुत अच्छा बना है, टेस्टी बना है, यासिर भी खाएगा। कहाँ खाया है, अभी नहीं खाया है, अभी खाएगा वो। बहुत टेस्टी बना है, अच्छा लग रहा है खाने में। और सारा भी उधर खड़े होके खा रही है। हाँ ठीक है, उसको कैमरा में आने बहुत अच्छा बना है, इसीलिए। तो हम लोगों ने पास्ता वास्ता खा लिया है, और यासिर खाया, उसको तीखा लग गया है ना, कैसा लगा। मेरा मुंह में आग लग गया, मेरा आग लग गया। देखिए क्या बोल रहा है, उसको आग लग गया मुंह में, देख सकते हैं ना, उसको मुंह में आग लग गया बोल रहा है। तीखा लगा उसको तो बोल रहा है मुंह में आग लग गया, इतना बदमाश है। ठंडा ठंडा बर्फ लाओ जल्दी। नहीं ठंडा नहीं पीना है। तो अभी खा लिया है सब लोगों ने, इसको तीखा लग गया है तो नहीं खाया, थोड़ा सा छोड़ दिया है, खा लिया है, अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा, आग है ना, आग यमी था बना हुआ, बहुत टेस्टी लगा खाने में, चटपटा सा था। हाँ आग वाग नहीं खाते, आग थोड़ी बना था, तीखा था थोड़ा सा, इसी वजह से मतलब थोड़ा था, हम लोग को तो खाए उतना नहीं लगा, अच्छा लगा, चटपटा सा लगा, इसको तीखा लगा, क्योंकि ये तो एकदम ही तीखा नहीं खाता है ना, ये मीठा पसंद करता है, इसी वजह से इसको बहुत तीखा लगा। तो अभी हम लोग चाय वाय भी पी लिए हैं, और पास्ता भी खाना हो गया है शाम का। तो आज और सब, अब रात का सिर्फ रोटी बनाना है, तो यासिर के पापा आएंगे तो रोटी बन जाएगा, तो फिर वही के पापा के लिए मैंने रख दिया है, क्योंकि वो भी बहुत पसंद करते हैं ना, तो उनके लिए भी रख दिया है। वो आएंगे रात में तो पहले वही दे देंगे खाने के लिए, फिर खाना खाएंगे, तो चाय पियेंगे और वो खा लेंगे, इसके बाद खाना खाएंगे। अभी चलते हैं बर्तन धोने के लिए, बर्तन धो लेना है, तो फिर मिलते हैं, बर्तन पहले धो लेते हैं। रखा हुआ है, चलते हैं धोने के लिए। गाइस मेरा बर्तन वर्तन सब धुल गया है, धो लिया है मैंने, और अभी अभी टाइम हो रहा है, देख सकते हैं कितना बज रहा है, 7 बजा है। तो और अब सिर्फ रोटी बनाना बाकी है, आटा मैंने गून करके रख दिया, अब यासिर के पापा आएंगे तो रोटी बना लेंगे, और यासिर को होमवर्क करना है, उसको याद करना है। और मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा
चूड़ी चेंज करने के लिए, ये बहुत दिन से पहन के है ना, तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, चूड़ी निकालते हैं इसमें से। ये वाला लेकर के रखा था मैंने, ये है, ये तो कांच का है, ये हाँ ये है, इतने दिन से तो कांच का पहन रहे थे ना, ये नहीं पहनेंगे, ये पहना, इसमें सिर्फ चूड़ी है तो वही लेकर के रखा था, ये वाला पहनेंगे, तो यही पहनेंगे, ये अच्छा लग रहा है, ये पहन लेंगे ऐसा। तो चलिए पहनते हैं, इसको उतार लेते हैं, ये वाला पहन रहे हैं आज, ये चूड़ियाँ घर में ही पहनने के लिए लिया था मैंने, तो पहना नहीं था, रखा हुआ था तब से, बहुत दिन से। चला गया, ये पहन लिया है, अच्छा लग रहा है। ये मैंने चूड़ी भी बदल लिया है, कैसा लग रहा है? लेकर के रखे हुए थे लेकिन बदले नहीं थे, तो बहुत दिन से रखा हुआ था, वो बहुत दिन से पहने हुए थे ना, तो ये चेंज कर लिया है, तो ये अच्छा लग रहा है। अभी चेंज करते रहना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा लगता है, तो ये चेंज करके पहन लिया है, कैसा लग रहा है? थोड़ा ये अच्छा लग रहा है। तो और आप लोगों को वीडियो ज़रूर, आई होप ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और यासिर को अभी पढ़ाई कराना है, तो और मुझे सिर्फ रोटी बनाना रह गया, यासिर के पापा आएंगे तो रोटी बना लेंगे, और इसको याद करना है कि हम दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, ताकतवर इंसान बनने के लिए अच्छा से खाना पड़ता है, तुम खाना खाओगे ना तो ताकतवर इंसान बनेगा, शिकार करना पड़ता है, शिकार भी करना। तो फिर वीडियो को, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।